वो ये कह रहा है कि भाई हम आपको जो है कि स्पॉन्सर ऐड देंगे, उस ऐड के अगेंस्ट जो है आपको $3,700 देंगे, और कह रहे कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं। तो मैंने बोला हाँ यार इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगे भाई, फ्री में डॉलर मिल रहा है। तो मैंने उसको लिखा यस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शहजाद खान, आप लोग तमाम लोगों को इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। और थंबनेल से आप लोगों का अंदाज़ा लगा लिया होगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग इस वजह से ये वीडियो देख रहे हैं कि कहीं आप भी जो है वो इस बात से खौफजदा तो नहीं है कि आपका चैनल हैक हो जाए, आपका फेसबुक हैक हो जाए, या फिर आपका यूट्यूब हैक हो जाए, या फिर जो है वो आपके मोबाइल से या आपके पीसी से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए जो कि आप नहीं चाहते हैं कि यार वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जाए। तो बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसकी जो है वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ और साथ में आप लोगों को बताऊँगा भी कि किस तरीके से जो स्कैमर से ये जो है वो आप लोग बच सकते हैं और किस तरह अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सामने रख सकते हैं कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी है और मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मैं आईटी फील्ड में तकरीबन मुझे 12 साल हो चुके हैं और इस वजह से मुझे थोड़ी सी नो हाउ है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अगर आईटी से नहीं ताल्लुक़ रखते हैं या आपको बेसिक नॉलेज है और आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा पेज है जिसको आप रन कर रहे हैं, या अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसको आप रन कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप तो डेफिनेटली सभी यूज़ करते हैं। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो वो किन चीज़ों से आप लोगों को मोहतात रहना है, मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ, कौन सा इंसिडेंट पेश आया और उसको जो है मैंने ओवरकम कैसे किया, और आप लोग भी जो है वो कैसे मोहतात रह सकते हैं। पहले जो मेरे पास मैसेज आया और उसने लिखा हेलो और वी वांट टू मेक पेड स्पॉन्सर ऐड ऑन योर फेसबुक पेज, यू विल बी पेड $3,700 फॉर वन ऐड, ब्ला 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 ब्ला। वो ये कह रहा है कि भाई हम आपको जो है कि स्पॉन्सर ऐड देंगे, उस ऐड के अगेंस्ट जो है आपको $3,700 देंगे, और $3,700 पता नहीं कितने ही होते हैं लाखों में, और कह रहे कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं। तो मैंने बोला हाँ यार इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगे भाई, फ्री में डॉलर मिल रहा है। तो मैंने उसको लिखा यस। उसके बाद उसका एक और मैसेज आया जो कि मुझे लग रहा था ये बना हुआ मैसेज है। वी वांट टू डू प्रमोशन ऑफ द ब्रांड ऑफ योर पेज, मतलब अपने पेज पे आपके पेज पे ब्रांड की प्रमोशन करेंगे, उसके बाद आपको ये हमारी मल्टीनेशनल ब्रांड है उस पर एड्स आपके पोस्ट होंगे, बल्कि हम आपके अपने एड्स जो आपके पेज पे पोस्ट करेंगे, और उसके लिए जो है वो आपको हम लोग जो है बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ जो एसोसिएट है, लाइक कोक पेप्सी ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब के नाम ले रहा था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऐड जो है वो आपके पेज से रिलेटेड हो गया। मैंने बोला ठीक है भाई ओके, मैंने लिख दिया सीधा सीधा। उसके बाद लिखता है कि वी यूज़ फेसबुक बिजनेस एडवर्टाइजिंग टूल एंड ब्ला, कि हम आपको बिजनेस फेसबुक बिजनेस एडवर्टाइजिंग टूल है वहाँ से हम जो है वो यूज़ करेंगे और आपके पेज पे ऐड पोस्ट करेंगे, समझ रहे। तो अब जो है वो इसने मुझे ऐसे बोला, मैंने बोला ठीक है अभी तक तो मामला सही लग रहा है। उसने मुझसे पेमेंट मेथड पूछा कि पेमेंट मेथड क्या होगा, तो उसने लिखा ये वाला जो आप मैसेज देख रहे, तो इसमें इसने लिखा कि पेमेंट मेथड क्या होगा। मैंने बोला ठीक है भाई बैंक होगा, ठीक है। फिर अच्छा मैं बोल के अपना काम पर लग जा रहा हूँ, मैं कितना कोई इंटरेस्ट है बार बार उसने, अच्छा उसकी मिस कॉलें बहुत आ रही, ठीक है मैं मिस कॉल देता। मैंने बोला भाई ठीक है बैंक होगा और ये, तो उसने मतलब मैंने बोला आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलता ठीक है वी विल सेंड यू ऐड कवर अकाउंट ऑन योर फेसबुक अकाउंट थ्रू, यू विल गेट पेड आफ्टर वी सेट अप ऐड कंपेन्स ईमेल एंड, अच्छा इंग्लिश बड़ी अच्छी लिखी हुई है इसने कि भाई ऐड कंपेन आपकी जो है वो सेट करेंगे, आपको जो है वहाँ से हम एक ईमेल सेंड करेंगे, उस ईमेल को आपने एक्सेप्ट करना है और आपने जो है वो उस कंपेन में जो है वो हिस्सा लेना है, और आपने अपने फेसबुक के पेज पर हम आपको ऐड प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक तो बात सही सही है, ठीक है समझ आ गई। अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने बोला कि ये हो क्या रहा है। अच्छा मैं आपको अभी एक सीन बताऊँगा, बड़ी अच्छी बात है ये, आप लोग मैसेज ज़रा गौर से सुने जो मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं इससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त सी बात आप लोगों को बताऊंगा कि होता क्या है एक्चुअली। अच्छा उससे मतलब मुझे मैंने बोला उससे पूछा कि आपको जो मेरा फेसबुक पेज पता है जिस पे आप जो है वो ये ब्रांडिंग करोगे, सबसे पहले तो फेसबुक पेज पता हो ना यार। तो उसने बोला कि अच्छा अपना ईमेल बताया, अच्छा क्रॉस मतलब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कह रहा है अपना ईमेल बता, मैंने अपना ईमेल दे दिया। अच्छा ईमेल भी जो है वो मैंने अपना फेसबुक वाला नहीं दिया जिससे मेरा पेज जो एसोसिएट है, मैंने एक रैंडम ईमेल दे दिया और मैंने बोला ये ईमेल है। अच्छा उसने कहा कि अपना सोशल मेल बॉक्स चेक करें, प्राइमरी सोशल प्रमोशन ये वाले जो होते हैं उसमें, मैंने बोला भाई मेरे पास कोई भी नहीं आया।
अब मुझसे गलती हो गई थी स्पेलिंग की, तो मैंने दोबारा से उसको ईमेल दे दिया। उसने बोला ठीक है आप दोबारा चेक करें, और बोला कि सोशल वाले को चेक कर। ये बोला मुझे यार ये वाला लिंक जो है ना यहाँ पर क्लिक करें, अब जब मैं क्लिक करूँ तो फेसबुक पे जा रहा है ये ऑटोमेटिक। तो मैंने बोला कि भाई मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता, ये सेफ़ नहीं है। तो कह रहा भाई हम लोग ये एफिलिएटेड हैं और ये हैं वो हैं फ्लाएँ, इसने पूरा लिख के दिया। उसके बाद उसने, अब मैंने कहा भाई मैं अपने फेसबुक का अकाउंट का एक्सेस नहीं दे सकता। वो कह रहा है आपको एक्सेस नहीं चाहिए। अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर रोक रहा हूँ मैसेज, कि अब यहाँ पे कहानी जो मुझे समझ आई वो ये कि ये आपके फेसबुक का एक्सेस आपसे नहीं मांग रहा, लेकिन बिज़नेस फेसबुक बिज़नेस एडवर्टाइजिंग टूल होता है उसकी थ्रू ये आपके फेसबुक के अकाउंट का एक्सेस ले लेगा। ठीक है, लाइक कि अगर उसने मतलब है सिंपल सा सही वे सही है, बस ये कह लेंगे ऐसा नहीं है कि कोई ये मतलब ये फ्रॉड में ही यूज़ होता है। वे बिल्कुल ठीक है कि भाई मैं अगर अपने मैं अगर किसी और के पेज पे फेसबुक कंपेन चलाना चाहता हूँ तो डेफ़िनेटली उसको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा अपने पेज का। तो अब मैं एक्सेस उससे कैसे मांगूँगा, मैं फेसबुक बिजनेस जो अकाउंट है वहाँ से उस ईमेल को डाल के एक्सेस भेजूँगा कि भाई मुझे एक्सेस दे दो, ग्रांट परमिशन दे दो। वो मुझे जैसे ही ग्रांट परमिशन देगा मुझे फेसबुक का उसका एक्सेस मिल जाएगा फेसबुक के पेज का। अब क्या होता है कि जैसे ही मुझे एक्सेस मिला अब मैं किसी को भी हटा सकता हूँ, ऐड पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं सही हूँ बहुत अच्छा हूँ तो ऐड पोस्ट कर सकता हूँ। अच्छा इसके बाद भी बड़े मज़े की कहानी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने बोला भाई ऐड सेंड कर दो, उसने बोला ऐड नहीं दे सकते, फिर बात को घुमाने लगा। मैंने बोला ठीक है भाई, फिर मैंने बोला ठीक है कौन से पेज की आप बात कर रहे हो। तो उसको समझ आ गया 28K जिस पे आपके पेज है, फ़नी पाकी का मेरा पेज है उस पर 28K लाइक्स हैं। तो अब उसने बोला ठीक है, फिर मैंने बोला भाई नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा मिस कॉल है दिया जा रहा है, मैंने उसको मेरी अड़ गई थी, मैंने बोला यार मिस कॉल नहीं दो। अब मैंने उसको बोला भाई 50% एडवांस कैश दो मुझे, ये पैसे दो तब जाके मैं काम करता हूँ तुम्हारा। तो बोलता ठीक है, ये सारी बात हो रही थी। फिर उसने बोला कि दोबारा कि भाई स्क्रीनशॉट दिया है ये है वो है। मैंने बोला भाई मैं क्लिक नहीं करूँगा, आई विल नॉट क्लिक ब्रो। मैंने कहा अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, मैं क्लिक नहीं करूँगा इस लिंक पे, मैं एक्सेस नहीं दे सकता आपको बिजनेस अकाउंट का। तो फिर बहुत ज़्यादा उसने किया, फिर 2-3 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, मैं देखना चाह रहा था कहाँ तक जा रहा है। फिर उसके बाद उसने जो है वो मुझे मैसेज के उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको लिखा भाई माफ़ कर दे नहीं चाहिए। अब मैंने उर्दू में लिख दिया, मेरी हट गई थी, अब मैंने उर्दू में लिख दिया। और मैं आपको इसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। तो जनाब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो स्कैम करने की एक नाकाम कोशिश की गई। मज़े की बात मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ। मज़े की बात यह कि जब मैंने उसको मैसेज किया उर्दू में कि भाई मुझे नहीं चाहिए माफ़ कर दे या जो भी आप लोगों ने देखा, उसके बाद उसने मुझे ये कहा है कि ठीक है। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया काफ़ी देर तक। अब उसको ये बात समझ आ गई कि यार ये बंदा हाथ नहीं आ रहा। अब उसने मुझे कॉल करनी शुरू कर दिया। मैं ये चाह रहा था कि यार कॉल रिसीव कर ले किसी भी तरीके से ना, मैं उससे बात करूँ, उसकी इंग्लिश चेक कर लूँ, मैं भी अपनी इंग्लिश थोड़ी उसको सुना दूँ, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल नहीं कर रहा वो। अब शाम के वक्त मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास इत्तफाक से कॉल आ गई, और जब कॉल आ गई तो मुझे ये इस बात की कंफर्मेशन मिल गई कि यह बंदा झूठ बोल रहा है। मैं बेसिकली कॉल का इसी वजह से वेट कर रहा था, मैं चाह रहा था कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि देखिए जो स्कैमर्स होते हैं जो कुछ भी होते हैं उसकी उनकी इंग्लिश वैसे भी इतनी अच्छी होती है, अगर पढ़े लिखे होते हैं तो ये काम क्यों कर रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो जब उसने मुझे मतलब शाम में कॉल कर दी, जैसे ही इसकी कॉल आई ना तो मैं पहले वो मुझे हेलो 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 हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन, उसकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मैं जानबूझ से जो है ना वो उसको उर्दू में लाना चाह रहा था, मैंने कहा मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ उर्दू में, शायद वो उर्दू में रिप्लाई करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि ओके आई हैव सेंड यू ईमेल, प्लीज़ चेक ईमेल, ऐसा कुछ। अब मुझे समझ आने लग गया कि यार ये सारी कहानी क्या है, मुझे उसकी इंग्लिश से अंदाज़ा हो गया। फिर मैंने उसको उर्दू में बोला, मैंने बोला भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही यार, सही बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ समझ, मतलब उसको इतना इरिटेट करने की कोशिश की कि उसने मुझे जो है वो उर्दू में रिप्लाई कर दिया। अब उर्दू में क्या बोलता है, क्या हुआ आवाज़ समझ नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं आवाज़ समझ नहीं आ रही, बोला अच्छा अच्छा मैं ईमेल करा है आपको, आप ईमेल चेक करें, आप ईमेल चेक करें। मैंने बोला ठीक है भाई। अब जब मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी चाही कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये सारा कुछ डिसाइड करूँ। नंबर जो है वो अमेरिका का है, बंदा जो है वो उर्दू बोल रहा है, नंबर अमेरिका का है, बंदा जो है वो ऐसी इंग्लिश बोल रहा है जिसमें जो है वो आप साफ गैस कर सकते हैं कि यार वो जो है वो
ईजिली आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग, इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ये भी करना चाह रहा हूँ, जो कि नए लोग हैं और जो कि फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, या फिर अगर वो कोई भी अच्छा ग्रुप चला रहे हैं जिनके पास अच्छी अच्छे लोग हैं, अच्छे ऑडियंस हैं, ये उनको बेसिकली टारगेट करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा फ़नी पाकी का हमारा फेसबुक पे पेज है, 28K लाइक्स हैं तकरीबन उसमें, तो बेसिकली बड़ा पेज है। तो उस बड़े पेज पे ये जो है वो कोशिश करते हैं कि उस पर जो है वो ये अटैक करें, और ये ज़्यादातर यही कोशिश हो रही होती है इनकी कि ज़्यादा बड़े पेजेस को जो है वो ये कैटर करें, उनकी उनके ऑनर जो कि ये पेज चला रहे हैं उनकी ईमेल आईडी निकाल के उनसे बात करें। बहुत सारी जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात से ना वाकिफ है कि उनका पीसी या उनका लैपटॉप या उनका मोबाइल जो है वो आराम से इजीली हैक हो सकता है सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से। जी हाँ, एक लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पीसी हैक हो जाएगा, एक ऐप आपने डाउनलोड कर लिया आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, एक अगर आप लोगों ने जो है वो गलत किसी वेबसाइट पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दी वहाँ पे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ये बेसिकली जो है वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं उनको लिंक पे क्लिक करूँ और उस लिंक के थ्रू जो है वो मैं उनको बिजनेस अकाउंट को जो है वो एक्सेस दे दूँ। बेसिकली फेसबुक का बिजनेस अकाउंट ही होता है, वे तरीका सही है लेकिन एग्जैक्टली वही बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तरीका सही है लेकिन मतलब होता यही है कि अगर हमें कोई ऐड चलाना होता तो हम किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो हमें एक्सेस देता है, फिर ऐड चलाते हैं और फिर हम अपना एडमिनशिप डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर यही करना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि वो आपसे फेसबुक का पूरा एक्सेस ले लें, आप भी एडमिन हैं, वो भी एडमिन हैं, जैसे ही वो एडमिन होते हैं आपका काम ख़त्म, आपको निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद यही है आप लोगों से, कोई भी ऐसा लिंक जो कि आप चाहते हैं नहीं है कि यार ये मेरा जो है वो आपको नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस लिंक को क्लिक ना करें, या कोई बहुत ही आईटी प्रोफेशनल हो बंदा उससे आप पूछ सकते हैं कि आप जो मुझे इस लिंक पे क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो क्या नाम है उसका, खुजली वाइंस का चैनल हैक हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका हैक इसी वजह से हुआ था कि उसने क्या किया था, बंदे ने जो उससे बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि मैं आपको पेड वीडियोस के पैसे दूंगा, आपने एक सिंपल एक गेम डाउनलोड करना और उस गेम को चलाना है अपने पीसी में, और डेट सेट आपने जो है वो उसकी वीडियो बनाकर आपने हमें दे देनी है, हम अपने पास चलाएंगे। बेसिकली उनका मकसद कहाँ तक का था, उनका मकसद यहाँ तक का था कि आप बस सिर्फ गेम डाउनलोड करके उस एग्जी फाइल को चला दें, डेट सेट, जैसे ही एग्जी फाइल एग्जीक्यूट होगी आपका पीसी पूरा का पूरा जो है वो उसके पास चला जाएगा। और यही हुआ था खुजली वाइंस के साथ, और उन्होंने जो है वो यही काम किया था, मतलब अब तो उन्होंने खुजली फैमिली नाम रख लिया, तो उसने यही काम किया था, उसने जैसे ही उस पर क्लिक किया उसके बाद उसका चैनल उसका उसका पीसी पूरा हैक हो गया, और उस पीसी में जितने भी अकाउंट थे वो सारे हैक हो गए, उसका पासवर्ड एक्सेट्रा सारी चीज़ें वो ले चुका था। लेकिन वो बड़ा चैनल था तो वो ईजिली रिकवर हो गया, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल वापस नहीं मिल सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और कोई भी फेसबुक से रिलेटेड कोई भी लिंक अगर आपको ये देता है कि यार हम आपको एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं, आपको ये करना चाह रहे हैं, तो भाई कोई भी सिंपल सी बात है, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना चाहेगा वो आपको एडवांस पैसे देगा, या आपसे बात करेगा, या डेफिनेटली आपको बोलेगा कि यार ये एड कैंपेन आप रन कर दो, मैं इसके इतने पैसे दे रहा हूँ आपको, तो पैसे देगा तो काम होगा। यहाँ पर वो ये चाह रहा है कि आप उसको एक्सेस दे दें, आप आपका काम ख़त्म, आपको पैसे निकालेगा, बाहर फेंकेगा, दैट्स इट। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें और कोशिश करें कि कोई ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जिस पे जो है वो आपका एक्सेस चला जाए। मोबाइल वाले जो है वो इस बात से होशियार रहें कि जो मोबाइल में आप लोग अनऑथेंटिकेट जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं होती, उससे आपका एक्सेस चला जाता है, आप ना चाहते हुए भी आप अपने कैमरे का एक्सेस दे रहे होते हैं, आप अपने फ़ोन बुक का एक्सेस दे रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट्स का दे रहे होते हैं, ये सारा कुछ जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेस दे रहे होते हैं उस एक्सेस के थ्रू वो कुछ भी कर सकता है। आप स्टोरेज का भी एक्सेस दे रहे होते हैं, स्टोरेज में आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ भी जो है वो आपके पास से चला जाएगा अगर आप होशियार नहीं हैं, अगर आपको नहीं पता कि यार ये प्ले स्टोर पर वेरीफाइड ऐप है नहीं है, तो आपका मोबाइल इस तरह हैक हो सकता है, पीसी इस तरह हैक हो सकता है, कोई आपको एग्जी फाइल देगा जैसे मैंने बताया कि खुजली फैमिली वालों का,
कि उन्होंने उनको एग्जी फाइल दी गई, उसने रन किया और डेट सेट उनका काम खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, या कहीं पे साइन अप करवाया जा रहा हो आपको फेसबुक के थ्रू, या फेसबुक के थ्रू साइन अप करें, तो जब तक वो ऑथेंटिकेट वेबसाइट नहीं है जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि यार ट्रस्टेबल है, लोग वहाँ पर जाते हैं, ऑडियंस है और एक मतलब एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता वहाँ पर जाकर आप अपना फेसबुक एक्सेस मत दें, अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन खुद से मत डालें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने ख्याल रखना है, क्योंकि स्कैम कभी भी कहीं पे भी किसी वक्त भी हो सकता है। आप लोग अगर इस डाटा की दुनिया में हैं, इस डाटा की वर्ल्ड में हैं, तो डेफिनेटली डाटा की हमेशा याद रखिएगा वर्थ है, और आपका डाटा जो है वो आपका पर्सनल डाटा है, आप अपने पर्सनल डाटा को कहीं और ना यूज़ होने दें। जाते आते एक और टिप देता हूँ मैं बड़ी अच्छी सी, और वो ये है कि अपना मोबाइल जो आप लोग परचेस करते हैं, फैमिली की पिक्चर्स लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद जो है वो आप उस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आप एम्प्टी करते हैं, उसके बाद वो मोबाइल को ले आकर मार्केट में बेच देते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनल मैं ये कहता हूँ, वैसे मर्ज़ी आपकी, डेफिनेटली आप अपने कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने पिक्चर्स को लेकर, अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर, हर एक बंदा डिफरेंट टाइप का होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने मोबाइल जो है वो ना बेचें मार्केट में जाकर। उसकी वजह ये है कि डाटा कहीं से भी रिकवर्ड हो जाता है, आपने पूरा फॉर्मेट कर दिया, आपने पूरा डिलीट कर दिया, एक नहीं चार दफ़ा फॉर्मेट कर दिया, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सबसे ग्रेन लेवल की लेयर जो होती है ना, सबसे निचली लेयर, वहाँ पर भी जाकर जो डाटा रिकवर हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपना मोबाइल, अपनी मेमोरी कार्ड, इनको जो है वो मार्केट में फ़रोख्त ना करें, ना बेचें, ठीक है, ज़ाया कर दें। घर में मतलब बच्चे होते हैं आजकल, तो बच्चे हर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बंद करके आपने मोबाइल दे दे गेम खेलना, भले वो घर में खेलते खेलते ख़त्म हो जाए मोबाइल, लेकिन कोशिश करें कि मार्केट में ना बेचें, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपको अच्छी लगी, तो आप लोग जो है वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को मैं बताता रहूं और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टेक रिलेटेड वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी वीडियो है, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।